absolutely disgusting. So, hello friends, welcome to Study News. तो ये वीडियो थी इंडियन ओशियन के आइलैंड कंट्री मॉरिशस की. यहाँ पर कोस्टल एरिया के पास एक शिप है, इसने यहाँ पर ग्राउंड टच कर लिया है जिसकी वजह से ये यहीं पर रुक गया है. मॉरिशस के सदर्न पार्ट का जो कोस्टल एरिया है उससे सटे हुए काफ़ी दूर तक कोरल रीफ है जिस पर आके शिप फंस गया है और इसी शिप से बहुत ज़्यादा ऑयल स्पिल हो रहा है जिसकी वजह से वहाँ का एनवायरनमेंट डेंजर में आ गया है और मॉरिशस एनवायरमेंटल एमरजेंसी लगा दी है. तो जानेंगे इसके बारे में, सो लेट्स स्टार्ट. ये शिप जिसका नाम एमवी वाकाशायो है, ये एक जैपनीज बल्क करियर शिप है जो मॉरिशस के सदर्न पार्ट के कोस्टल एरिया में आकर फंस गया है और इसमें से हो रहे ऑयल लीक के वजह से समुद्र तट तक ऑयल फैल गया है जिसकी वजह से जीवों के लिए डेंजर पैदा हो गया है. इसी वजह से मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जगनॉथ ने स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल एमरजेंसी डिक्लेयर की है. यहाँ पर ऑयल स्पिलिंग की वजह से पॉइंटे डेंसे के समुद्र तट पर फिशिंग रिजर्व, मरीन पार्क और कोरल रीफ भी बहुत प्रभावित हो गए हैं. इसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो ब्लू है ये डार्क ब्लू समुद्र है और ये जो लाइट ब्लू में दिख रहा है ये कोरल रीफ है और ये कोरल रीफ के किनारे पे ही यहाँ पे एमवे वाकाशायो है जो यहाँ पर आकर फंस गया है और इसकी ऑयल स्पिलिंग हो रही है और यहाँ तक ऑयल फैल गया है जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले फिशरमैन, टूरिज्म और जलीय जीव जंतु काफ़ी प्रभावित हो गए हैं. इस शिप से लगभग 4,200 मीट्रिक टन ईंधन ले जाया जा रहा था और यहाँ मॉरिशस के पास ये 25 जुलाई को आकर फंस गया. इस शिप में तीन प्रकार के तेल मौजूद हैं जिसमें से एक है कम सल्फर वाला फ्यूल ऑयल जो 3,900 लगभग मीट्रिक टन है और 207 मीट्रिक टन डीजल है और लगभग 90 मीट्रिक टन ल्यूब्रिकेंट ऑयल है. आप जानते ही हैं कि मॉरिशस अपने जैव विविधता के लिए और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है और ये शिप काफ़ी संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्र में आकर फंस गया है और ऑयल स्पिलिंग कर रहा है. इस शिप पर लगभग 20 क्रू मेंबर्स थे जिन्हें शिप से निकाल लिया गया है. ये जापानी शिप लगभग 13 साल पुराना है और इसका रजिस्ट्रेशन पनामा में है, पनामा जो सेंट्रल अमेरिका का एक देश है. इस शिप का जो बंकर टैंक है जिसमें फ्यूल भरा रहता है वो ख़राब मौसम की वजह से ब्रीच हो गया है जिसकी वजह से ऑयल लीक करने लगा. हैप्पी कैम्पबेल जो ग्रीन पीस अफ्रीका के सीनियर क्लाइमेट एंड एनर्जी कैंपेन मैनेजर हैं, इन्होंने कहा है कि इस ऑयल स्पिलिंग की वजह से ब्लू बे के प्राचीन लैगून और समुद्र में रहने वाले हजारों प्रजातियों को नुकसान पहुंच सकता है और इस प्रदूषण की वजह से कई जलीय जीवों के लिए स्वास्थ्य समस्या हो सकती है. इसलिए इन्होंने यूएन और सभी देशों की सरकारों से मॉरिशस की मदद करने के लिए सिफारिश की है. प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जगनॉथ जी ने एक ट्वीट में कहा है कि मॉरिशस के पास इस प्रकार की प्रॉब्लम से निपटने के लिए किसी प्रकार की स्किल नहीं है, इसलिए उन्होंने फ्रांस से मदद मांगी क्योंकि आपको पता ही है कि मॉरिशस के पास रीयूनियन आइलैंड है जो फ्रांस का है. फिर ये एक ट्वीट है इंडिया इन मॉरिशस का जिसमें दिखाया गया है कि भारत सरकार जो अपने शिप के द्वारा मॉरिशस की मदद कर रहा है ऑयल स्पिलिंग को रोकने में, इसे प्रविंद जगनॉथ जी ने रीट्वीट किया था. तो ये थी पूरी जानकारी मॉरिशस के एनवायरमेंट एमरजेंसी के संबंध में. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट.